आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे आटे के लड्डू। बहुत आसान है बनाना, कुछ टिप्स हैं, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपके लड्डू बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। वो टिप्स आपको मैं आखिर में, वीडियो के आखिर में बताऊंगी, तो वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत कम हैं, लेकिन इनको लड्डू को बनाने कुछ खास टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो बहुत आसानी से आपके लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो ये आटे के लड्डू हैं, आप चाहें तो इसको बेसन में भी सेम इसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में आटे के लड्डू ठीक रहते हैं। आप इसको रमज़ान के लिए बना के रख सकते हैं, लॉकडाउन रेसिपी है। और रमज़ान में अगर आपके पास खजूर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सब लॉकडाउन है, एयरलाइंस चल नहीं रही हैं, तो खजूर जो है ज़्यादातर बाहर से ही आती है, तो बाहर से खजूर आ नहीं रही होगी, और अगर जो मिल भी रही होगी तो वो पुराना स्टॉक होगा, हो सकता है उसमें कीड़े हों। तो आप खजूर खाएं तो उसको ध्यान से खाइएगा, उसको खोल के तब खाइएगा, अदरवाइज उसको बदले में आप ये बना के रख सकते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। तो यही मेरी खास आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप खजूर खाएं तो उसको खोल के देख लें तब खाएं, क्योंकि खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत है। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि रोज़ा जो है खजूर से ही खोलें, लेकिन अगर खजूर आपके पास नहीं है स्टॉक में, अगर आपके पास स्टॉक में है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरह के लड्डू बना के रख सकते हैं, छोटे छोटे बना लीजिए वन टाइम यूज़ के लिए। तो ये हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए, खजूर के बदले में आप ये बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देती हूँ इनको मैंने कैसे तैयार किया है। आटे के लड्डू के लिए जो इंग्रीडियंट्स मैंने लिए हैं, सबसे पहले मैं दिखा दूँ, मैंने 1 कप आटा लिया है, 1/8 कप मैंने ये सूजी लिया है, चीनी हम लेंगे 3/4 कप लेंगे, तो ये हाफ कप है और ये 1/3 कप है, तो दोनों मिला के 3/4 कप हो गया। कुछ मैंने बादाम और काजू लिए जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और हम घी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत आसानी से बन जाते हैं घर में। तो मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैं डाल देती हूँ आटा और साथ में सूजी भी डाल देते हैं। अब इसमें मैं घी डाल रही हूँ, 1/8 कप यानी कि 2 टेबल स्पून हो जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में और डाल लेंगे, फिलहाल इतना ही डालते हैं। और धीरे आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम करेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है, और लगातार चलाते हुए इसको हम भूनेंगे जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाता। इसका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो कम ही मकदार में बनाइएगा, इसका आधा कर लीजिएगा, कम ही मकदार में आपको दिखा रही हूँ, 1 कप ज़्यादा नहीं होता है। आप देखें अभी 5 ही मिनट हुआ है और रंग इसका आ गया है थोड़ा बहुत, तो लेकिन हमें ये कलर नहीं चाहिए, इससे थोड़ा सा और डार्क चाहिए, और अभी खुशबू नहीं आनी शुरू हुई है, तो वो भी एक टिप है कि जब अच्छी से खुशबू आने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए तब हो जाएगा कि हाँ ये भुन गया है। तो 10 से 15 मिनट लगता है, पेशेंस के साथ इसको बीच बीच में आपको चलाना होगा, छोड़ना नहीं होगा, इसको चलाते हुए किचन में आप और काम कर सकते हैं। मैंने अंजीर के भी लड्डू बना के डाले हुए हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। खजूर को मैंने बादाम वाली खजूर बना के डाली हुई है, चॉकलेट वाली, आप वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगी, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आखिर में डब्बे आते हैं, तो वहाँ पे भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा कि बादाम वाली खजूर को किस तरह से बनाना है, रमज़ान में बहुत अच्छा रहेगा। अभी 8 मिनट हुए हैं मुझे भूनते हुए, लेकिन अभी भी वो कलर नहीं आया है जो हमें चाहिए। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो इसमें आप जैगरी पाउडर मिला सकते हैं, क्योंकि आटे के लड्डू हैं, गर्मियों में ये ठीक रहते हैं, सर्दियों में आप बनाएं तो उसमें आप गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि गर्मियां हैं तो आमतौर पर लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है गुड़ की, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो आप उसको डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कोकोनट शुगर भी ऐड कर सकते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो इसमें शुगर फ्री ऐड कर सकते हैं, लेकिन शुगर फ्री भी अच्छा नहीं समझा जाता है। मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि आप इसको छोड़िएगा नहीं, जहाँ आप छोड़ेंगे वहाँ किनारे किनारे से ज़्यादा कलर ख़राब हो जाएगा, तो बराबर से नहीं कुक होगा, बराबर से कलर नहीं आएगा, तो इसलिए आपको बराबर से आपको चलाना है, किनारे किनारों से इसको समेट के लेना है, वरना आप देखेंगे कि किनारे किनारे जलने लगेंगे, तो ख़ास इस बात का ध्यान रखना है। अब खुशबू आने लगी अच्छी सी, लेकिन अभी भी हमको थोड़ा सा इसे और डार्क कलर चाहिए, तो अभी मुझे 12 मिनट हुए हैं इसको करते हुए, 3-4 मिनट को मैं और करूँगी। अब ये भुन गया है तो इसमें मैं नट्स डाल देती हूँ, साथ में ये भी भुन जाएंगे। अब 2-3 मिनट और बस फिर मैं बंद कर दूंगी। या फिर आपको अगर बूरा मिल जाता है तो आप बूरा भी डाल सकते हैं, बूरा मिल जाए तो वो डाल लीजिए आसानी से, वो अच्छा रहेगा, गर्मियों में आटे के लड्डू में बूरा ठीक रहता है।
तो ये हो गया है, ड्राई फ्रूट्स के साथ भी ये भुन गया है। अब मैं इसको हल्का सा ठंडा करूँगी, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे वरना फिर लड्डू बन नहीं पाएंगे। इंपॉर्टेंट टिप है, ध्यान रखिएगा कि इसको गरम गरम में ही हम बनाएंगे, लेकिन इतना ठंडा हो जाए कि हाथ हमारा जले नहीं। अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ, एक बर्तन में इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो आप देखें कि ठंडा हो गया इतना कि टच करने लायक हो गया। अगर हम गरम गरम में चीनी डालते तो ये चीनी पिघल जाती, तो इसलिए हमें उतना ठंडा कर लेना है कि चीनी पिघले नहीं। मैं थोड़ा कम कर देती हूँ चीनी को, आप अपने हिसाब से चीनी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी स्टेज पे आप चक सकते हैं थोड़ा सा लड्डू बनाने से पहले। तो पहले चीनी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये मैंने अब मिला लिया है, मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, लड्डू बनाने में दिक्कत हो सकती है, तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून दोबारा से घी डालूंगी और इसको मिक्स कर लेते हैं। इतना गर्म आप रखिएगा कि इसमें आपका हाथ चल सके, बिल्कुल ठंडा मत होने दीजिएगा, वरना ठंडे होने में लड्डू नहीं बन पाएंगे। अब इस तरह से कर करके आप दोनों हाथों में करके आप इस तरह से लड्डू तैयार कर लें। साइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, एक खजूर के बराबर बना लीजिए। अभी थोड़ा सा हमें और घी डालने की जरूरत पड़ेगी, जितना ज़रूरत हो कि वो बन जाए उतना हमें घी डालना होगा। तो आप देखिए इस तरह से लड्डू तैयार हो गया है। हल्के हल्के हाथ से इसको आप इसको गोल कर लें और सारे लड्डू आप अपने हिसाब से इसमें साइज तैयार कर सकते हैं। घी की मकदार कम ज़्यादा हो सकती है, मैंने जितनी बताई मुझे उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, तो जब तक कि बाइंड होने लगे उतना घी आप इस वक्त डाल सकते हैं दोबारा से। तो सारे हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। मैंने एक पिस्ता ले लिया है हमने और इसके ऊपर लगा देते हैं, देखने में खूबसूरत लगेगा। तो इसी तरह से सारे तैयार कर लेते हैं। तो आप देखें कि हमारे आटे के लड्डू बिल्कुल तैयार हो गए हैं। कुछ खास टिप्स हैं जो लड्डू बनाने में मैं आपको बताती हूँ। हालांकि बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप कुछ टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके बहुत अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। तो सबसे पहला टिप ये है कि आप उसको 15 से 20 मिनट आराम से लो फ्लेम पे भूनिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। सारा काम जो है सिर्फ भूनने का ही है। अगर आप अच्छे से भून जाएगा तो आपके लड्डू बहुत जायकेदार और बहुत अच्छे बनेंगे। तो भूनने में आप बिल्कुल कोताही मत करिएगा। दूसरी बात यह है कि चीनी जब आप डालें तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो आप लड्डू बना नहीं पाएंगे। तो इतना ठंडा मत कर लीजिएगा कि लड्डू फिर बन नहीं पाएंगे। तो इतना गर्म छोड़ दीजिएगा कि आपके हाथ जले नहीं और आप उसमें लड्डू बना लें। तो आपको गरम गरम में ही लड्डू तैयार करने हैं। चीनी और घी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। घी आपको उतना डालना पड़ेगा कि जब तक कि वो बाइंड ना होने लगे। जब आप चीनी डाल दें और हाथ में अगर ऐसे करें और नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि उसमें घी और डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने जितना घी आपको दिखाया था उससे ज़्यादा ही मेरे को डालने की ज़रूरत पड़ी। तो वो आप इस तरह से बदावा के देख लेंगे, लड्डू बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आप 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा। चीनी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने चीनी 3/4 कप ली थी, तो समझ लिए लगभग हाफ कप पूरा लगा और ये 1/3 कप भी मैंने आधा लिया है। तो अपने हिसाब से आप चीनी को एडजस्ट कर लीजिएगा, चख लीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो और डाल लीजिएगा। तो आप बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, रमज़ान में दुआओं में याद रखिएगा और आगे इस रेसिपी को फॉरवर्ड करिएगा। पसंद आए तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।